आज की हमारी रेसिपी है करेला चना की रेसिपी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। करेला हल्के से कड़वे होते हैं, लेकिन आप करेले को जब इस तरीके से बनाएंगे, आपको कभी भी करेला कड़वा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप रेसिपी को पूरे अंत तक देखिए और एक बार करेले की रेसिपी ऐसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ करेला चना की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम करेला। यहाँ पर मैं ली हूँ काले वाले चने। इसे मैं 4 घंटे के लिए पहले भिगो दी थी, फिर कुकर पर 3 सीटी दे दी थी, तो ये अच्छे से उबल गए हैं। इसके पानी को अलग रखना है और चने को अलग रखना है, पानी को फेंकना नहीं है। और चाहिए जो जो सामान वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ जीरा, सौंफ और कलौंजी, ये सब 1/4 चम्मच है। अदरक लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, 3 बड़े बड़े टमाटर को काट ली हूँ, 1 बड़े साइज़ के प्याज को काटी हूँ, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और 1/2 नींबू का रस लगेगा। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले करेले को काट लेंगे। यहाँ पर आप जब भी ले ऐसे हरे वाले और ताज़े करेले लें। सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को हम हटा देंगे, फिर इसे हम गोल गोल काटेंगे। आप जब भी करेले चने की रेसिपी बनाएं तो करेले को ऐसे गोल गोल ही काटिए। इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे मीडियम साइज़ का ही रखना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो फिर करेला पकने में टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो करेला पूरा फिट आ जाएगा, फिर वो खाने में करेले का टेस्ट नहीं आएगा। आप इसके स्किन को भी मत निकालिए। मैं इसके बाहर वाले छिलके को नहीं निकाली हूँ, ना ही अंदर के बीज को निकाली हूँ। अगर आपको बीज पसंद नहीं
डालेंगे जो चने हमने उबाले थे वो वाले पानी। अगर आप पानी को फेंक दिए हैं तो आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब भी आप चने उबालते हैं तो उसके पानी को मत फेंकिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। यहाँ पर मैं पानी को डाल के इस मसाले के साथ अच्छे से मिलाऊंगी और जब तक कि हल्का सा मसाला उबल ना जाए तब तक के इसे ऐसे ही रखूंगी। अब इस पर मैं डालूंगी नमक। यहाँ पर नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जी तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं एक बार आप देख लीजिए। ये मेरी करेला चना की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।